ना जाने हमारे समाज की एक कैसी मानसिकता होती जा रही है, ना जाने हमारा समाज कैसी मानसिकता की ओर जा रहा है, ना जाने हमारे समाज की सोच कैसी होती जा रही है, ना जाने इंसान के अंदर से इंसानियत खत्म क्यों होती जा रही है। लोगों की विकृत मानसिकता और उनके घिनौने कृत्य मानवता के परिभाषा से मानव को अलग करती जा रही है। एक जानवर को भी अपने बच्चों से प्रेम होता है, और यहाँ मनुष्य के अंदर प्रेम दया जैसे शब्द अब कोई मायने नहीं रखते। इस भौतिकवाद समाज से आज भी बेटा बेटी में फर्क करने वाली सोच अंतरात्मा में व्याप्त है। चाहे हम कितने भी डिजिटल क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमारी सोच आज भी निम्न है। मैं बात कर रहा हूँ उस घटना की जो कल पांडुवधान पंचायत अंतर्गत डहुआ टोला गाँव की, जहाँ एक सुनसान जगह पर एक नवजात कन्या को जन्म के तुरंत बाद फेंक दिया जाता है। ऐसा सुनने मात्र से शरीर में सिहरन हो जाती है, लेकिन क्या जिन्होंने इस घिनौने काम को किया उनके हाथ नहीं कांपे होंगे? क्या उनका कलेजा इस काम को करते वक्त कल्पित नहीं हुआ होगा? शायद मानव की मानवता मर चुकी है, इस तरह की घटना बराबर प्रकाश में आ रही है। दूसरी तरफ कल हमने विद्या की देवी की पूजा अर्चना की, बड़े धूमधाम से सरस्वती पूजा की, वहीं दूसरी तरफ एक कन्या के जन्म लेते ही उसे मार दिया। वहीं कल सरस्वती पूजा के दिन ही जसीडी स्टेशन पर छोटी सी बच्ची करतब दिखा रही थी, उनके करतब देख बुद्धिजीवी समाज के लोग तालियां बजा रहे थे, और इस बच्चों के माँ बाप बगल में बैठे बच्चियों से तमाशा करवा रहे थे। एक तरफ जहां सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, बाल श्रम पर बड़े बड़े कानून बने हैं, वहीं खुलेआम इन बच्चियों से पढ़ने लिखने के उम्र में इनसे काम करवाया जा रहा है। जहाँ जीती जागती माँ के स्वरूप के साथ ये अमानवीय व्यवहार, वहीं माँ की मूर्ति बनाकर उन्हें पूजने का स्वांग क्यों? जहाँ हमारा समाज एक कन्या को जन्म होते ही मार देता है, तो इन देवियों की मूर्ति बनाकर पूजने का ढोंग क्यों? जब एक छोटी सी बच्चियों को पढ़ने की उम्र में चंद पैसों के लिए कर्तव्य और तमाशे करवाए जा रहे हैं, तो त्योहार पर कन्या पूजन का दिखावा क्यों? दूसरी तरफ नवजात बच्ची को फेंक दिया गया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? हम इसको देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है और जागरूकता की कमी है। इसी वजह से एक तरफ हम माँ सरस्वती का पूजा करते हैं या सभी देवी का पूजा करते हैं, और जो देवी रूपी बच्ची हमारे बीच है उनको फेंक देते हैं, तो ये निश्चित रूप से शिक्षा का अभाव है, और या नहीं तो एकदम वाहियात है, जो कि बहुत शर्मिंदा करने वाली घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने पहले ही कहा कि शिक्षा का अभाव है, उस वजह से वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अपनी बच्ची के, वो एक तरह का कमाई वो कर रहे हैं कि अपनी बच्चों का कर्तव्य दिखवा कर जो पैसे होते हैं उससे वो बैठ कर खाना खाते हैं। बच्चे को अगर स्कूल भेज दें, सरकार एक से एक योजना स्कूल में इतना लाभ दिया है, किताब बैग खाना हर चीज, अगर वो कर्तव्य छोड़कर वो अगर बच्चे को स्कूल भेजें तो उससे वो पढ़ लिख कर आगे बन सकते हैं और एक बड़ा आदमी बन सकते हैं, अपना नाम कमा सकते हैं, अपने खानदान का नाम रोशन कर सकते हैं। लेकिन उनके माँ पिता में शुरू में ही कहा कि शिक्षा की कमी है, उस कारण से वो आगे सोच नहीं सकते हैं और ऐसा काम। कहीं ना कहीं सरकार की योजना पर सवाल नहीं उठता है कि इतना पैसा खर्च कर रही है, लेकिन धरातल पर कुछ दिख नहीं रहा है? धरातल पर नहीं दिखेगा, क्योंकि सारा चीज कागजी हो रहा है। कागजी जो हो रहा है वो आज लोग कह रहे हैं कि देखिए ये हो रहा है, पूरा देश में ऐसा हो रहा है, पूरे राज्य में ऐसा हो रहा है, हमारे जिला में ऐसा हो रहा है, लेकिन वो धरातल पर नहीं दिख रहा है, सिर्फ कागजी हो रहा है, और सरकार कहीं ना कहीं इसको करने में विफल है।